नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज एक सादाबाद क्षेत्र में बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने विद्युत विभाग के एक जो है लिपिक को, बाबू को गिरफ्तार किया है। जी हां, रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरी घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत जी जुड़ रहे हैं। रंजीत जी, क्या था पूरा घटनाक्रम, उसके विषय में जरा बताएं। जी राजदीप जी, मैं बता दूं, बिजली विभाग के एक बाबू की शिकायत काफी दिनों से एक उपभोक्ता द्वारा की जा रही थी कि उसके कनेक्शन के मामले को लेकर बाबू द्वारा अवैध रूप से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर उपभोक्ता द्वारा शिकायत एंटी करप्शन टीम को दी गई। एंटी करप्शन टीम की दिशा निर्देशन में उपभोक्ता द्वारा बाबू को ऑफिस से बाहर बुलाया गया और बुलाने के बाद ऑफिस से बाहर कई थोड़ी दूरी पर जाकर एक सुनसान एरिया में बाबू को कुछ पैसे दिए गए। 20,000 रुपए के करीब बताई जा रहा है, टीम द्वारा जो बताया गया है, वो 20,000 रुपए उसको दिए गए थे, जो कलर लगे नोट थे। उसके बाद बाबू रंगे हाथ टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद टीम बाबू का नाम नीरज है, जिसको लेकर के चंदबा थाने पहुंची। चंदबा थाने में उनके द्वारा मुकदमा कायम कराया गया, वहीं बाबू को बंद कराया गया है। और उसके बाद बाबू पर जो गाड़ी थी, जो यूज में ली गई गाड़ी है बाबू के द्वारा, बाबू की जो गाड़ी थी उसको भी एंटी करप्शन टीम द्वारा सीज किया गया है। सादाबाद के जैती रोड स्थित बिजलीघर का ही पूरा मामला है, जहां बिजली ऑफिस में तैनात नीरज बाबू को एंटी करप्शन टीम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। रंजीत जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या इस पूरे घटनाक्रम में विद्युत विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कोई जो है अभी जो है अपनी तरफ से अधिकृत सूचना जारी की गई है? नहीं, विद्युत विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कोई सूचना जारी नहीं की है, लेकिन हालांकि यह है कि यहां चतुर्थश्रेणी विद्युत विभाग चतुर्थखंड के एक्सियन मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा जानकारी ली गई है कि किस उसमें गिरफ्तार किया गया है। इसको उन्हें बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है कि ऑफिस से बाहर रिश्वत लेते हुए बाबू को गिरफ्तार किया गया है, जिस बाबू से उन्होंने बात भी कराई है। हालांकि बिजली विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी जो हाथरस जिले के, वो वहां मौके पर पहुंच गए, चंदबा थाने पहुंचे हैं, उन्होंने बातचीत भी की टीम से, तो टीम ने उनको संतुष्ट किया कि इस तरह से पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से एंटी करप्शन की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और तमाम बार शिकायत पहुंच रही थी एंटी करप्शन टीम के पास, उसके बाद एक उपभोक्ता सामने आया जिनको नया कनेक्शन लगवाना था और उन्होंने शिकायत की, और जिसके लिए पूरा ताना बाना बुना एंटी करप्शन की टीम ने, और अंततः एक जो कर्मचारी को गिरफ्तार किया है रंगे हाथों, जिसमें पूरे साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया है, और चंदपा थाना में ये मामला भी पंजीकृत किया गया है। और जो उस दौरान वहां पर गाड़ी प्रयोग में ली गई, वो भी शायद अपने में ली गई है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है विद्युत विभाग की तरफ से कोई नहीं आई है, निश्चित तौर पर प्रेस नोट जारी होगा या कोई सूचना जारी होगी, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन यह बड़ी घटनाक्रम रहा है आज पूरे दिन में।